हाल फिलहाल में आप तमिलनाडु के मदुरई शहर का एक वायरल वीडियो देखा होगा, जिसमें आप ये देखे होंगे कि एक बच्चा स्मोक बिस्कुट खाता है और खाने के बाद वह पेट पकड़ के बैठ जाता है, उसे चक्कर सा आने लगता है। एक्चुअली आयोवा यूनिवर्सिटी के मुताबिक एक रिसर्च में कहा गया है कि लिक्विड नाइट्रोजन से निकलने वाले जो वेपर हैं, ये वेपर स्किन और टिश्यू के साथ साथ आई फ्लूड को फ्रीज कर देता है। वहीं कनाडा के नेशनल कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के मुताबिक यह कहा गया है कि स्मोकिंग बिस्कुट -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जाता है। इससे निकलने वाले वेपर इंटरनल ऑर्गेन को डैमेज कर सकता है, ऑक्सीजन के लेवल को कम कर सकता है, साथ ही साथ व्यक्ति के सांस भी अटक सकता है। इस वजह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के मुताबिक इसमें गाइडलाइन जारी किया गया है कि इस तरह के स्मोकिंग पेय पदार्थ को या भोज पदार्थ को परोसने से पहले आप देख लें कि पूरी तरह से इससे वेपर निकल जाए, ठीक। और अगर इस तरह के रूल की अगर अवहेलना की जाती है तो ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। बूढ़े, बच्चों या ऐसे व्यक्ति जिन्हें श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, वैसे व्यक्ति को इस तरह के स्मोकिंग आइटम लेने से परहेज करना चाहिए।